विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह को लेकर एक नया विवाद सामने आ गया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने दावा किया है कि वीके सिंह के आर्मी चीफ पद से रिटायर होने से पहले सेना के कई गोपनीय दस्तावेज नष्ट किए गए। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 31 मई 2012 को जब वीके सिंह सेना प्रमुख पद से रिटायर हुए, उसके ठीक पहले 22 से 25 मई 2012 के बीच में कई गोपनीय दस्तावेज नष्ट किए गए। नष्ट किए गए ज्यादातर दस्तावेज टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन नामक उस खास यूनिट से जुड़े थे जो जनरल वीके सिंह ने 2010 में सेटअप किया था। अखबार ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि नष्ट किए गए ज्यादातर दस्तावेज खुफिया ऑपरेशन से जुड़े हुए थे, साथ ही उसमें टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन यानी कि टीएसडी के मासिक खर्च का बैंक स्टेटमेंट भी था। इस रिपोर्ट को लेकर सफाई देते हुए वीके सिंह ने क्या कहा, ये सुने। ये एक पूरी कहानी या तो पत्रकार को किसी ने लिख कर दी है और ये कई बार इनका खंडन हो चुका है, उसके बाद फिर इसका आना। अब जबकि जनरल कोर्ट मार्शल हुए भी कई महीने हो गए, उसके बाद इसका आना सिर्फ एक ही चीज को जाहिर करता है कि ये पत्रकार जिसने किया है बिका हुआ है, किसी का मोहरा है, किसी के कहने पर कर रहा है, किसी की दी हुई स्क्रिप्ट को लिख रहा है।